अब मूल सिंह को भी स्वर्गीय शहीद आनंद पाल जी की तरह हथियार उठा लेना चाहिए क्या? या फिर आज सरकार राजस्थान में बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी की है, तो फिर ऐसी पार्टी की टिकट क्यों लेते हो जो आपकी सुनवाई नहीं करती? आज जोधपुर संभाग के वहां की पूरी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जोधपुर में गई हुई है और वहां पूरी जोर शोर से हमारी जो मांग है वो रखी जाएगी भाई मूल सिंह के हक में, और उस लड़ाई को भी हम चाहे कोर्ट में लड़ना पड़े तो कोर्ट में लड़ेंगे। अगर वो दबंगई दिखाना चाहते हैं वो नेता लोग, अरे निकम्मो, अगर आप इतने ही दबंग हो, इतने ही आप अत्याचार इस जनता के ऊपर करते हो, तो फिर पुलिस का और प्रशासन का शासन का क्यों सहयोग लेते हो? अगर तुम इतने ही दबंग हो तो एक दिन रख लो टाइम, कर लेते हैं तो हाथ पता चल जाएगा कितनी गुमरदारी है तुम्हारे अंदर। जो आदमी दो टाइम की रोटी कमा करके अपना घर चलाता हो, मैं इस देह गांव की जनता से पूछना चाहता हूं, इस देह गांव की बहन बेटियों से पूछना चाहता हूं, इस देह गांव की माताएं बहनें जो घरों पर खड़ी हैं, वहां गलियों में खड़ी है दूर दूर, उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरी माताओं बहनों, अगर आपका बेटा पप्पू सिंह होता और उसकी हत्या हो जाती तो आपके दिल पर क्या गुजरती? वही आज इस मां के दिल पर गुजर रही है। मेरे नौजवान साथियों, किसी का लाल छीनना बहुत आसान है, पर उसके पीछे जो परिवार है उसका पालन पोषण करना बहुत कठिन काम है, और खास तौर से तो राजपूत समाज में, राजपूत समाज के भामाशाह कम से कम राजस्थान में हजारों भामाशाह है राजपूत समाज के, पर वो भामाशाही कहां दिखाते हैं? आम गरीब राजपूत के लिए वो मदद नहीं करते, वो भामाशाह बनकर के कहां जाते हैं? वो भामाशाह बनकर के जाते हैं, वो एक मुख्यमंत्री ने एक योजना चला रखी है जल समर्पण योजना, उसमें चेक लेकर के जाते हैं, और जो दापी दपाई है जिसको डकार नहीं आ रही यहां तक, उसको कहते हैं 11 लाख का चेक मेरी तरफ से, 21 लाख का चेक मेरी तरफ से, 51 लाख का चेक मेरी तरफ से, 5 लाख का चेक मेरी तरफ से। अरे राजस्थान के भामाशाह, या तो राजपूत क्षत्रिय लगाना छोड़ दो या फिर राजपूत गरीब है उनको सौ, उस मैडम को आप लोग 21 का 51 देकर के आते हो। अरे राजपूत समाज को ये 3 बच्चियां हैं, इनको 5-5 लाख रुपए भी नाम नहीं करवा सकते।